बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छा जी, जो आज की प्रोडक्ट मैं लेकर आई हूँ उसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। अच्छा जी, मैंने पहले आपको फेयर एंड लवली की दूसरी क्रीम बताई थी और वो भी बहुत उसका अच्छा रिस्पांस आया था, तो फिर मैंने इसकी जो मॉइस्चर प्लस है उसका रिव्यू आज करने आई हूँ। अच्छा, आपको पता है, सभी को पता है कि विंटर आने वाले हैं। विंटर में जो सबसे बड़ा जो हमारा स्किन का इशू होता है ना, वो होता है जी स्किन डल हो रही होती है, स्किन डलनेस की तरफ जा रही होती है, क्योंकि हम विंटर में उस तरह हाइड्रेट नहीं हो रहे होते, हम पानी नहीं पी रहे होते और विंटर की कुछ हमारी एक्टिविटीज़ भी इतनी ज़्यादा खास नहीं हो रही होती है। ठंड में सब लोग बस ज़्यादा बैठना ही पसंद करते हैं, जिसकी वजह से इस सारा जो इफेक्ट है वो हमारी स्किन पे पड़ता है। ठीक है, स्किन ड्राई और जो डैमेज हो रही होती है, डल हो रही होती, तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं जी, मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हैं। मॉइस्चराइज़र तो हम अच्छे से अच्छा यूज़ कर लेते हैं, लेकिन जब रात को हम कोई भी मॉइस्चराइज़र अप्लाई करके सो जाते हैं और फिर सुबह उठते हैं, तो हम देखते हैं कि स्किन जो है वो सिर्फ मॉइस्ट ही हुई होती है, लेकिन उसकी जितनी भी स्किन में हमारे इश्यूज होते हैं, मतलब कोई किसी की स्किन डल होती है या टू टोन स्किन होती है, इवन स्किन होती है ना, तो वो उसी तरह रह रही होती है। जब सुबह उठ के हम अपना फेस देखते हैं तो हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता, क्योंकि जितने भी हमारे मार्क्स होते हैं ना, वो क्लियर होते हैं ना, स्किन इवन टोन होती है। तो फिर उसके लिए फेयर एंड लवली ने एक ज़बरदस्त सा फॉर्मूला निकाला है। फेयर एंड लवली इज़ नाउ फेयर एंड ग्लो का मॉइस्चर प्लस 24 और मॉइस्चराइज ग्लो आपको देता है। ये क्या करता है कि जब आप रात को लगा के सोते हैं या इवन दिन में भी आप लगाते हैं, विंटर में स्पेशली मैं बात कर रही हूँ, तो स्किन इससे ड्राई नहीं होती, बहुत ज़्यादा मॉइस्चर रहती है। ये तो चलो इसका हो गया कि मॉइस्चराइज़र, लेकिन इसके साथ साथ क्या होना शुरू हो जाता है कि ये आपकी स्किन को एक बड़ी अच्छा इवन टोन देती है, ग्लो देती है, जो कि कोई भी मॉइस्चराइजर नहीं दे रहा होता है। तो ये इसका एक बड़ा जबरदस्त सफाई। मोस्टली मॉइस्चराइजर लगाने से स्किन बहुत ऑयली भी हो रही होती है और ऑयल प्रोड्यूस कर रहा होता है मॉइस्चराइजर आपकी स्किन पर, तो उससे क्या होता है कि आपकी स्किन ऑयली तो लग रही है लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हो रहा। तो ये ऑयल के साथ साथ ग्लो भी प्रोवाइड करती है आपकी स्किन पर। अच्छा, मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि ये नॉन ऑयली फार्मूला है, ये आपको मैट फिनिश देती है, आपकी स्किन की डलनेस को खत्म करती है। इसका फार्मूला भी वही है जो इनका ग्लो एंड लवली का मैंने आपको पहले बताया था, वही फार्मूला है, लेकिन साथ इसके मॉइस्चर इन्होंने ऐड कर दिए। इसमें भी विटामिन ई एडेड है, विटामिन सी एडेड है और विटामिन ई एडेड है, और जो उनकी सारी प्रॉपर्टीज़ है उस क्रीम की, वो इसमें भी एडेड है। ठीक है, आपकी स्किन की डलनेस को रिमूव करती है, स्किन को ब्राइट करती है। चले जी, अब मैं आप इसको खोल के बता देती हूँ कैसी है। चलें जी, इसको यहाँ से हम ओपन करते हैं। कार्डबोर्ड की इसकी पैकिंग है, 100 ग्राम की इसकी ट्यूब है। ऑल स्किन टाइप वाले इसको यूज़ कर सकते हैं, इस तरह की इसकी ट्यूब है। ठीक है, यूनिलीवर का प्रोडक्ट होता है ये। यहाँ से इसका लिड ओपन करते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि इसका प्रोडक्ट किस तरह का है। ये देखिए, थिक सा इसका टेक्सचर है और सबसे जो अच्छी बात है कि ये आपकी स्किन को 24 और मॉइस्चराइज करके रखती है। कोई भी मॉइस्चराइज़र उठा ले आप मार्केट से, 2-3 घंटे बाद फिर स्किन उसी तरह ड्राई हो रही होती है, लेकिन जब आप इसको लगाते हैं तो आप नाइट टाइम लगाएंगे तो पूरी नाइट आपकी स्किन हाइड्रेट रहेगी। ठीक है, इस तरह का इसका टेक्स्चर है। इसको अच्छी तरह रब करें, आपकी स्किन पर एब्जॉर्ब हो जाएगी और एक सटल सा ग्लो भी आपकी स्किन को देगी और एक टोन आपकी स्किन को फेयर भी करेगी। ये देखिए, चलें जी, मेरी तरफ़ से तो ये 100% रिकमेंडेड है, आप इसको बाय करें, लेकिन फिर वही बात करूँगी कि प्रोडक्ट हमेशा ओरिजिनल बाय करें, बारकोड स्कैन करना सीख लें और बारकोड स्कैन करके ओरिजिनल प्रोडक्ट लें, तभी आपको किसी भी प्रोडक्ट का फ़ायदा होगा। चलें जी, वीडियो को यहीं पर करते हैं एंड। और मैं डेली एक वीडियो लेकर आती हूँ आपके हर किस्म के स्किन इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए, प्रोडक्ट्स के बारे में आपको गाइड करने के लिए, फेक और ओरिजिनल बताती हूँ। चलें जी, यहीं पर करते हैं वीडियो को अपने एंड और चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।